आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ दो तरीके वेस्ट या सेंटर के प्लीट्स, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। और ये बिगनर्स के साथ साथ इवन अगर आप हैवी साड़ी पहनते हैं या नॉर्मल साड़ी पहनते, दोनों में ये काम आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साड़ी को नॉर्मली जैसे टक करते हैं वैसे कर लिया है, और जो सामने का जो सेंटर का प्लीट है यानी कि वेस्ट का प्लीट है, उसे बनाने के लिए मैंने साड़ी को थोड़ा सा खींच कर यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट लगा दिया है। तो आपको भी कुछ इसी टाइप से नॉट लगा देना है। तो ये नॉर्मली शिफॉन की सिंथेटिक साड़ी और जिसका बॉर्डर नहीं हो वो वाली साड़ी में ये कर सकते हैं। तो इसे लगाने के बाद आपको अपने राइट साइड में टक कर लेना है, जैसे कि मैंने टक कर लिया है। और आप देख सकते हैं जैसे मैंने टक कर लिया है यहाँ पे प्लीट्स पड़ चुके हैं, जो हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड है उस साइड को ऑटोमेटिकली देखिए कितने सुंदर तरीके से प्लीट्स बन चुके हैं। अभी तक हमने सामने के प्लीट्स बनाए नहीं, उससे पहले ये वाले प्लीट्स बन चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है तरीका है, आपको सेफ्टी पिन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये ऑल डे लॉन्ग चलता है, क्योंकि आपने वहाँ पर नॉट कर रखा है वो आपके पेटीकोट के साथ अटका रहता है और आपको बार बार खींच खींच के जो आपका वी कट है उसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं नॉर्मली जैसे प्लीट बनाते हैं तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड से ही प्लीट बना रही हूँ। तो मैंने सारे प्लीट्स में देखिए मैंने बना लिया है। अब मैं बनाने के बाद थोड़ा सा झटका देकर साड़ी को हमेशा जब भी आप पहने थोड़ा सा झटके देके देके पहने तो प्लीट्स बिल्कुल ठीक ठीक पड़ जाता है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती है। तो उसी तरीके से आप भी प्लीट्स बना लीजिए। एंड देन सारी प्लीटों को मैंने पकड़ कर अब मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा दूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेफ्टी पिन लगा देना है। तो यहाँ पर नॉर्मली छोटा सेफ्टी पिन ही लगाइए, ज़्यादा बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब प्लीटों को अब हम पकड़ कर टक कर लेंगे। तो बैली बटन को मिडल में रखते हुए हम टक करेंगे। तो टक करने से पहले मैंने क्या किया है, नीचे के जो प्लीट्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा झटका दे दे के ठीक कर दिया है, जिससे कि प्लीट नीचे तक सेट रहे। और अब मैं सारे प्लीटों को आराम से बैली बटन को मिडल में रखते हुए टक करूंगी। और जितने भी प्लीट्स हैं मैंने उनमें एक एक इंच का गैप दे दे के प्लीटों को बनाया है। अब मैंने सारे प्लीटों को टक कर लिया है और आप रिज़ल्ट अपनी आंखों से ही देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से प्लीट्स बने हैं, नीचे तक कितना सेट है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपली आप इसे पहन सकते हैं, साड़ी बहुत अच्छे तरीके से सेट रहती है ऑल डे लॉन्ग और प्लीट्स भी बहुत अच्छे से पड़ते हैं। तो सेकेंड टाइप करने के लिए तो आप देख सकते हैं साड़ी को आपको टाइट से पकड़ना है और उसके बाद एकदम आपका जो लेफ़्ट पोर्शन है वहीं से आपको प्लीट बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला प्लीट है थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा है, जिससे कि बाकी के प्लीट्स उसके अंदर अटके रहे। और जो सामने का जो प्लीट है उसे आप देख सकते हैं मैंने छोड़ दिया है, तो मैंने करीबन दो प्लीटों को छोड़ दिया है। और उसके बाद साड़ी को मैंने झटका दे के अब मैं जितने भी मैंने प्लीट्स अभी बनाए हैं उन सब प्लीटों को मैं धीरे धीरे सेट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा के पहले सिक्योर कर लूँगी। अब हम जो हमने प्लीट बनाया है बैली बटन को मिडल में रखते हुए पहले टक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अंदर तक समान भाव से टक कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये साइड का पोर्शन है ये थोड़ा सा मैंने ओपन रखा है। अब यहाँ से अपना हाथ घुसाकर आप देख सकते हैं ये वाले पोर्शन तक जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इस पोर्शन को अंदर से खींचते हुए बाहर की तरफ को लेके जाना है, जैसा मैं कर रही हूँ। आप ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिए और जितना टाइट आपको लेना है उस टाइप से आप टाइट कीजिए एंड देन ट्विस्ट कीजिए, जैसे मैं ट्विस्टिंग कर रही हूँ।
और ट्विस्टिंग करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके जो साइड के प्लीट्स है वो ऑटोमेटिकली पड़ गया है और जो आपका वी कट है उसे वो भी आपका स्टिल रहेगा ऑल डे लॉन्ग। और इसे ट्विस्ट करने के बाद आपको टक कर लेना है अपने पेटीकोट के साथ और जो बचा हुआ फैब्रिक है जो साड़ी का उसे भी आपको टक कर लेना है। और उसके बाद आपको जो ऊपर का जो पल्लू है उसे भी सेट कर लेना है एंड देन आप देखेंगे कि आपका जो साइड के प्लीट्स है बहुत अच्छे तरीके से पड़ चुके हैं और जो सेंटर के प्लीट्स है उसे भी मैं अच्छे से नीचे तक झुककर सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा दबा देने से ही सेट हो जाता है एंड देन आप रिज़ल्ट खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से प्लीट्स बने हैं, सामने के प्लीट्स भी बेस्ट बने हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक सेफ्टी पिन से काम चल जाता है और आपका जो वी कट है जो सेंटर के प्लीट्स है और साइड के जो प्लीट्स है वो ऑल डे लॉन्ग ऐसे ही सेट रहते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ है, और हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना।